हेलो फ्रेंड्स, आप सबको हमारा नमस्कार। हमारी अग्रसेन रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं सूजी की बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेके आई हूँ। खाने में बहुत ही जायकेदार चटपटी बनेगा। उसके लिए हमने कटोरी सूजी ले लिया है। अब चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। गैस पर हमने कढ़ाई रखा, कढ़ाई में तेल रख दिया है। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे जीरा। जीरा हमारा चटक रहा है। अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप हरी मिर्च ऐड कर दीजिए, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आप डाल दीजिए डायरेक्टली सूजी। सूजी के साथ साथ एक कटोरी हम पानी भी ऐड करेंगे। अभी आपने देखा हमने एक कटोरी पानी डाला, कम हो गया तो इसमें एक कटोरी और ऐड करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे हम अपने स्वाद अनुसार नमक। अभी हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके 3 कटोरी पानी ऐड किया है। जिस कटोरी से हमने सूजी लिया था ना, उसी कटोरी से पानी भी ऐड किया है। साथ ही डालेंगे अपने स्वाद अनुसार नमक। इसको बराबर मैश कर देंगे। देखिए सारे इकट्ठे हो जा रहे हैं, 102 मिनट पकाइए। इसके बाद सारे इकट्ठे हो गए हैं। अब इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। सबसे पहले हम गैस के नीचे बंद कर देंगे, उसके बाद इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक बर्तन में ट्रांसफ़र हो गया है, अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे हम थोड़ी देर। उसके बाद चलिए जब तक हम दूसरी शॉपिंग तैयार कर लेते हैं। ये हमने उबले हुए आलू ले लिए हैं। उबला हुआ आलू नया आलू है, इसलिए धुलते समय ज़्यादा छिलका ठीक से निकला नहीं, तो कोई बात नहीं है। छिलका निकालना हो तो निकाल दीजिए, नहीं निकालना हो तो कोई बात नहीं, आराम से पच जाएगा, पेट में नुकसान भी नहीं करेगा। ये देखिए निकल रहा है, तो छिलका इसका हम निकाल देंगे। जिसका निकल रहा है निकाल दीजिए, नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं। फाइनली हमने इसका छिलका निकाल दिया है। इसको छिलके को हम साइड में रख देंगे। अब इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, साथ ही डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला, डालेंगे अपने स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर। आपको तीखा अपने अनुसार रखना, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा तीखा मिर्चा ले लीजिए, अगर थोड़ा कम पसंद है तो थोड़ा ही मिर्चा रखिए। साथ ही हमने लिया धनिया पाउडर 1 चम्मच, इसको भी ऐड करेंगे इसमें। हमने लिया है 1 चम्मच सब्जी मसाला, आपके पास गर्म मसाला हो या फिर छोला मसाला ले सकते हैं। अब इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। आपको हाथों से करना हाथों से कर लीजिए, स्पून से करना स्पून से कर लीजिए। हाथ पुरातन होते हैं इसलिए मैं हाथ से करूँगी, क्योंकि भगवान कह दिया अच्छा खासा मेरे पास हाथ है ना, तो मैं स्पून से क्यों करूँ, इसलिए मैं हाथ से मैश करूँगी इसको। ये देखिए आप इसमें हरी धनिया भी ऐड कर सकते हैं, हो तो ऐड कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। सच बताऊँ मेरे यहाँ भी नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं डाल रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, इसको साइड में रख देंगे। अब लिया हमने सूजी, सूजी भी ठंडी हो गई है। इसको हाथों के सहारे हम ऐसे मल लेंगे, जैसे आटा गूंथते हैं ना, इसको थोड़ा ऐसे ऐसे रख लेंगे। आज मेरा मूड नहीं था ना रेसिपी बनाने का, इसलिए मैं धनिया के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया। मेरे पिताजी गए हैं हिलाने धनिया, बट उनको थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैंने बोला था अर्जेंट बनाऊंगी, नहीं रे कुछ वीडियो बनाने का मूड नहीं, थोड़ा सर में दर्द है इसलिए। पर मैंने सोचा चलो ठीक है बना लेते हैं, करना क्या है, सर को थोड़ी इसमें लगाना तो हाथ ही है इसमें, इसलिए मैं इसमें लग गई बनाने। ये इसको थोड़ा गर्म है ना, इसलिए हाथ जल रहा है। आराम आराम से करिएगा, क्योंकि सेहत का भी ध्यान रखना होता है हमें, इसीलिए आराम से को मैश कर लेंगे। तो आप देखें कितने अच्छे से मैं इसे गूंथ लिया है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नीचे लाइक का बटन दिया गया उसको क्लिक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी कैसे लगी। इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। अब वीडियो को पूरा देखा करो यार, बीच में स्किप मत किया करो। इतने मेहनत से हम बनाते हैं वीडियो, पर आप लोग बीच में स्किप कर देते हो, अच्छा नहीं लगता ना। इतने मेहनत से बनाते हैं, कम से कम पूरा तो देखा करो। पूरा देखने के बाद उसको लाइक कर दिया करो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जो जो मेरे वीडियो देखते हैं ना, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी, और जो नहीं देखते हैं उनको भी धन्यवाद कहना पड़ेगा, वो भी देख लें मेरा वीडियो। मुझे गुजारिश करूँगी कि वो भी मेरे वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।
पता है वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए मैं कहती हूँ आप लोगों से मेरी वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए मेरी रेसिपी कैसी लगी और लाइक भी कर दीजिए। लाइक से ना बहुत अच्छा दिल में सुकून मिलता है कि चलो लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, लाइक तो किए लोग। चलिए ठीक है, देखिए कितने अच्छे से ऐसे ऐसे हमारा काम भी होता गया, आप लोगों से बातें करते मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाथों में थोड़ा तेल ग्रीस कर लीजिए, उसके बाद इसकी एक छोटी सी लोई लीजिए बनाकर। ये देखिए साइज आपको अपने अनुसार रखना है, छोटा बड़ा जैसे आपको पसंद हो साइज अपने हिसाब से रखिए। ये देखिए हमें इसे करके से गोला टिकिया तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमें इसे हाथों से थोड़ा थोड़ा चिपटा कर लेना, चिपटा कर लेंगे। ये देखिए, और इसके बीच सेंटर में हम आलू रखकर इसको ऐसे मोड़ते हुए चारों तरफ से कवर कर देंगे, जैसे आलू के पराठे भरते हो ना, इसको ऐसे दबा दबा के इसको हम राउंडिंग से इसको गोला, देखना कितने अच्छे से हम इसको तैयार कर देते हैं। इसको हमें ऐसे फिर से कर देना है, इसको चारों तरफ से कवर कर देंगे, दिखना नहीं चाहिए आलू, दिख भी जाएगा तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ये देखिए तैयार हो गया ना टिक्किया, इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसे सारे में टिक्के तैयार कर लेने हैं। देखिए मैं दूसरा दिन बना कर दिखाते हैं, इसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है, जब ये बना कर खाओगी ना बहुत ही अच्छा टेस्ट, हफ्ते में दो दिन तो बनाकर पक्का खाओगी आप, तो ज़रूर बनाइएगा आप लोग। अगर अभी तक नहीं बनाया है तो मेरी वीडियो को देख कर ज़रूर बनाइएगा। देखिए इसको चारों तरफ से कवर कर देंगे हम। ये देखिए इसको ऐसे हमें, ये देखिए अच्छे से बन गया ना। तो देखिए छः से हमने छः पीस तैयार कर लिए हैं, और अब मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि मेरे पापा लोग बाहर निकले हैं ना टहलने के लिए, जब आएंगे तब गर्मा गर्म बनाऊंगी, क्योंकि तारीफ भी तो लेनी है ना घर वालों से, इसीलिए तो आप लोग के दिखाने के लिए मैंने ये सब अभी इतना बनाया है। अब चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ, इसको साइड कर देंगे। देखिए मेरे पास भी ढेर सारा बचा है, अभी मैं इसको बाद में बनाऊँगी। कढ़ाई पे हमने तेल रखा है गर्म होने के लिए, अभी चेक कर लेते हैं तेल गर्म है कि नहीं। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि तेल गर्म है या नहीं, फिर आप इसको थोड़ा सा टुकड़ा लीजिए आटा का, आप जो बैटर तैयार किए हैं आटा सूजी या फिर मैदे का ना, उसको डालकर थोड़ा चेक कर लीजिए। तो देखिए अभी तेल ठीक से आया नहीं है ना, तो इसीलिए अभी वो नीचे बैठा है। तेल अगर अच्छे से गर्म हो जाएगा, तेल आ जाएगा अच्छे से, तो देखिए खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। देखिए धीरे धीरे आ रहा है, तेल गर्म हो गया है। अब इसको टिक्की को हम इसमें ऐड कर देंगे, हाई फ्लेम पर नहीं रखना है, आपको मीडियम फ्लेम पर रखना है, जिससे अच्छे से पक जाए। हम चटा के अगर हाई फ्लेम पर देखें ऊपर ऊपर पक जाएगा और अंदर कच्चा हो जाएगा, इसलिए मीडियम फ्लेम पर रखेगा। इसको 1-2 मिनट हो गया है, अब इसको हम पलट देंगे। अभी मैंने सोचा लाओ जैसे डाले, 1 मिनट बाद सोचा लाओ इसको पलट दूँ, जैसे ही पलटे देखे कैसे निकल गया। इसको आप 2 मिनट के बाद ही पलटिएगा, अगर तुरंत पलटोगे ना तो ऐसे निकल जाएगा आप लोगों का भी, अगर 2 मिनट बाद पलटोगे ना आराम से। देखो ये कितने अच्छे से पलट जा रहे हैं, देखो एक भी नहीं ख़राब हुए, एक हमसे गलती हो गई ना, आप लोग मत करिएगा। 2 मिनट बाद ही इसको पलटिएगा, 2 से 3 मिनट लगे कोई बात नहीं, 2 मिनट के बाद ही पलटिएगा जिससे अच्छे से पक जाए। तो मीडियम फ्लेम पर नहीं रखना है, बस इसी बात को ध्यान में रखना आप लोग। देखिए आप देख रहे हैं कितने अच्छे से पक रहा है, देखिए फाइनली हमारा पक चुका है। अब इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे, एक एक निकालेंगे, गैस नीचे बंद कर देनी है, इसको निकालेंगे। देखिए दिखने में कितना क्रंची लग रहा है, ये देखिए इसको हम तैयार कर लिया है। अगर मेहमान अचानक घर में आ जाए ना तो फटाफट 10 रुपये का सूजी मंगाओ और आराम से उसको घोलो और बनाओ। देखिए कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि सूजी का बना है, ये देखिए कितना अच्छा, ये देखिए करारा है ना, करारा, ये कितना अच्छा। दूसरा मैं दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत अच्छा बना है। चलिए हम आज की वीडियो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खाओ पियो मौज करो, बाय बाय, टेक केयर।